नमस्कार, मैं आनंद वर्मा, आप देख रहे हैं सफर नया भारत। युद्ध संकट, अमेरिका ने बताया राष्ट्रपति जेलेंस्की मारे जाते हैं तो क्या होगा यूक्रेन का, रूस पर क्या होगा इसका प्रभाव। विस्तार से बताते चले कि रूस और यूक्रेन के बीच लगातार 12वें दिन भी जंग जारी है। दोनों देश में कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। इन सब के बीच अब अमेरिका ने यूक्रेन के भविष्य को लेकर बड़ा सवाल दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकिंग ने कहा है कि यूक्रेन के पास एक ऐसी योजना है जिसके मुताबिक अगर हमले में राष्ट्रपति जेलेंस्की की मौत हो जाती है तो यूक्रेन में मौजूदा सरकार बनी रहेगी, यानी कि रूस अपने मिशन में कामयाब नहीं हो पाएगा। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि यूक्रेन रूस की दबाव में झुकने वाला नहीं है। बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बार बार दावा करते रहे हैं कि रूस उन्हें मारने की योजना बना रहा है। यूक्रेन के अनुसार जेलेंस्की की हत्या के लिए क्रेमलिन के आदेश के साथ सैकड़ों रूसी भाड़े के सैनिक वर्तमान में कीव में धावा बोल रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री ने यूक्रेनी समकक्ष के बात करने के बाद किया दावा। जेलेंस्की की हत्या की आशंकाओं के बारे में एक समाचार चैनल के से बात करते हुए ब्लिंकिंग ने कहा कि यूक्रेनी सरकार का नेतृत्व उल्लेखनीय है। मैंने यूक्रेन के विदेश मंत्री से बात की, उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में उनके देश में से सरकार में निरंतरता सुनिश्चित करने की योजना है। बड़ी खबर ये भी आ रहा है कि बार बार हो रहा है जेलेंस्की की हत्या का प्रयास। पिछले हफ्ते यूक्रेनी अधिकारियों ने कहा कि जेलेंस्की की हत्या का प्रयास बार बार किया जा रहा है, लेकिन संयोग से वे बच जा रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि हमने कथित साजिश को पाया है और नाकाम कर दिया है। यूक्रेन के अधिकारियों के अनुसार कीव की कथित तौर पर रूस की प्रमुख सुरक्षा एजेंसी FSB ने हमले के बारे में सतर्क कर दिया था। अमेरिका ने कहा कि सीरियाई लड़ाकों की टुकड़ी को उतार सकता है रूस। इस बीच अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया है कि रूस कीव पर कब्जे के लिए सीरियाई लड़ाकों की टुकड़ी को उतार सकता है। दरअसल ये सीरियाई लड़ाके शहरी क्षेत्रों में युद्ध के लिए प्रशिक्षित होते हैं। अधिकारियों के मुताबिक अभी यह नहीं कहा जा सकता है कि कितने लड़ाके रूस की ओर से भेजे जाएंगे, लेकिन कई सीरियाई लड़ाके यूक्रेन में प्रवेश की तैयारी कर रहे हैं। डेली अपडेट के लिए सफर नया भारत से मैं आनंद वर्मा, जय हिंद, वंदे मातरम।